हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आपका वीडियो रहेगा रेलवे ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी भुवनेश्वर जोन के कि आरआरबी भुवनेश्वर जोन की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आपकी जारी हो चुकी है, काफ़ी टाइम पहले लिस्ट आ चुकी थी, लेकिन अब बच्चों के कमेंट्स हैं कि क्या ऐसा होगा कि सेकंड जो लिस्ट है या वेटिंग लिस्ट आपकी जारी होगी क्या। ठीक है, तो आरआरबी के नोटिस के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें कि जितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी उतने बच्चों का तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना ही होना चाहिए था। और एक्स्ट्रा क्या लिखा था कि जितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 5% को टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 5% ज़्यादा बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी होगी या फिर नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरआरबी भुवनेश्वर जोन की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, कितने बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया और कितनों को और बुलाया जाना चाहिए आरआरबी के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए डी ग्रुप आरआरबी भुवनेश्वर, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 1532। जो भुवनेश्वर जोन के अंदर वैकेंसी थी वो टोटल थी आपकी 1532। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टोटल 1609 स्टूडेंट्स को बुलाया गया। ठीक है, उसके बाद वेटिंग लिस्ट आपकी अभी जारी नहीं हुई है लेकिन जारी होनी चाहिए। किस बेसिस पर जारी होनी चाहिए वो आप कैसे पता करेंगे कि आपको पता है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है आपकी 1532। देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है 1532, ऐसे ही तो 1532 का 5% एक्स्ट्रा और बुलाया जाना चाहिए था। तो यदि हम 1532 का 5% और करें तो कितना हो जाएगा 766। तो 1532 में 766 और ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा आपका 2298। इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भुवनेश्वर जोन में 2298 स्टूडेंट्स को बुलाया जाना चाहिए था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो और 5% एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद आपकी 2298 स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स की लिस्ट बननी चाहिए थी। अब बनी कितने की है, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है वो कितनों का हुआ है 1609 स्टूडेंट्स का। अब देखिए कितना होना चाहिए था 2298। अब यदि 2298 में से हम 1609 माइनस कर दे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स की वेटिंग लिस्ट और आपकी आनी बाकी है। तो देखिए 2298 में से जब 1609 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 689। इसका मतलब है 689 स्टूडेंट्स की और वेटिंग लिस्ट अभी आपकी आनी बाकी है, तो ये आपकी आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपके लिए खुशखबरी है जो भी भुवनेश्वर जोन से है। एक्चुअल में ये वीडियो पर्टिकुलर भुवनेश्वर जोन के लिए ही डाली है, तो जिन बच्चों ने भुवनेश्वर जोन के लिए अप्लाई किया है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम आ चुका है उनके लिए, अगर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है तो ठीक है, अदरवाइज अगर किसी बच्चे का बचा है तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर जाना ज़रूरी है उन सबसे रिलेटेड मैं वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ। तो यदि आपको कन्फ्यूजन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिनका भी वेटिंग लिस्ट में अभी जिनका नाम नहीं आया है तो टेंशन मत लीजिए, आपका वेटिंग लिस्ट में नाम हो सकता है। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।